1.3 करोड़ का सिगरेट था और वो चोरी हो गया, राइट। गाइस रिसेशन आने वाला है इन अपकमिंग इयर्स, राइट। हाई कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए बोला है कि इस पे इन्फ्लुएंसर लोग को, राइट। रिलायंस ने किसी के साथ कोलैबोरेट किया जो कि काफी फन होगा। बायजूस का कुछ दुखद खबर है एंड काफी कुछ इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। हे ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज योर होस्ट अजय मुंडारी एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रेंडिंग टॉपिक। तो पहला जो ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, इट्स अबाउट रिसेशन, राइट। रिसेंटली IMF चीफ इकोनॉमिस्ट हैज सेड दैट रिसेशन इज कमिंग एंड द कमिंग ईयर इज 2023। 2023 में हम लोग को रिसेशन देखने मिलेगा, वो भी काफी वर्स बताया जा रहा। देखते इंडिया इसको कैसे टेकल करता, बिकॉज अभी जो छोटा रिसेशन आया था शॉर्ट टर्म के लिए, US और काफी सारे कंट्री बौखला गए थे, इंडिया का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा और देखते हैं आगे क्या होता। भाई अगर 2023 में रिसेशन आएगा ना ब्रो, आई थिंक इंडिया आराम से टेकल कर लेगा, बिकॉज आई थिंक इंडिया हैज सम पोटेंशियल, राइट। बाकी कंट्रीज का मेरे को पता नहीं यार, बट इंडिया तो आई थिंक बिकमिंग मोर पावरफुल। और देखते हैं यार रिसेशन अगर होगा, अगर रिसेशन हुआ तो बबल बस्ट भी होगा काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के। देखते हैं यार आगे क्या होगा, मैं भी इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। सो नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंसर, राइट। फेक इन्फ्लुएंसर, राइट। रिसेंटली हाईकोर्ट आस्क्स इंडियन गवर्नमेंट टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर अ फेक थेरापिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर ऑन इंडिया, राइट। काफी सारे फेक इन्फ्लुएंसर हो गया जिससे कारण ऑडियंस को काफी दिक्कत होता, राइट। व्हाट टू ईट, व्हाट टू वेयर, ये काफी सारे फेक बताते हैं पेड प्रमोशन करके, जिसके कारण हाईकोर्ट ने बोला इंडिया को कि काफी कुछ दिक्कत हो रहा, भाई क्या कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट, करो कुछ, राइट। सो रिसेंटली मैं बता दूं, चाइना ने ऐसे कुछ काम किया था जिससे कारण इन्फ्लुएंसर को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, हाँ अगर तू डॉक्टर है थायराइड का, अगर तू या फिर आइस का डॉक्टर है और तू इन्फ्लुएंसर बना, तो तेरे को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि तू ये इसमें तू प्रोफेशनल है और तू ऑडियंस को सही बता रहा, राइट। सो दिस इज समथिंग ट्रू, राइट। हम लोग को भी ऐसा कुछ रेगुलेशन इंडिया में भी लाना चाहिए जैसे कि फेक ना बने कोई, राइट। भाई ये जो हाईकोर्ट ने दावा दिया है ना इंस्टाग्राम और काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, इवन यूट्यूब का, काफी सही किया ब्रो, राइट। रिसेंटली अभी एक जन का रोस्ट हुआ था जो बॉडी बिल्डर था, नाम नहीं लूंगा यार, अलग ही दिखा रहा भाई, दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा, कुछ भी कर रहा ब्रो, बोलता इससे बॉडी बन जाता। अब देखो यार ये अगर रेगुलेशन आ गया ना, काफी इन्फ्लुएंसर लोग सुधर जाएगा, राइट। और मैं बात करता हूँ वो पेड प्रमोशन का, राइट। 1,000-2,000 रुपया लेके दे आर शोइंग एनीथिंग, राइट। कुछ भी वो लोग खराब प्रोडक्ट भी बेच दे रहे हैं और जिससे कारण काफी ऑडियंस का हेल्थ पे भी इशू हो रहा। सो आई थिंक गवर्नमेंट अगर रेगुलेशन लगाएगा, चाइना पहले से लगा दिया जैसे तुम बोल रहा, गुड इनिशिएटिव, इंडिया भी ऐसा करे तो अच्छा ही होगा। सो इससे ये नहीं बोलना ब्रो कि चाइना से कॉपी कर रहा है इंडिया, राइट। ये सब सही इनिशिएटिव है। सो जो कंट्री को प्रॉब्लम हो रहा, सो जैसे कि चाइना को पहले से पता चल गया ये सब प्रॉब्लम हो रहा, अब इंडिया को भी पता चल रहा है तो इंडिया भी ला रहा है। सो ये कोई कॉफी नहीं है, ठीक है ना ब्रो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक गाइस, नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, इट्स अबाउट रिलायंस, राइट। रिलायंस रिटेल विल कोलैबोरेट विद NBA टू सेल इट्स मर्चेंडाइज इन इंडिया, राइट। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको NBA का जितना भी प्रोडक्ट है आपको रिलायंस स्टोर के अंदर मिलेगा, विच इज गुड थिंग फॉर NBA फैंस, और रिलायंस पैसा भी तो उतना बनाएगा ब्रो। दिस इज समथिंग लाइक न्यू, हम लोगों को न्यू देखने के लिए मिल रहा, राइट। NBA के साथ रिलायंस रिटेल कोलैब कर रहा, रिलायंस रिटेल कुछ अलग ही सेक्टर में चल रहा ब्रो। दे आर लाइक स्प्रेडिंग देयर लेग्स, राइट। दो लेग है ना वो लोग स्प्रेड कर रहे, जितने जितने जगह हो सबको ले जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, इट्स अबाउट बायजूस, राइट। बायजूस हैज सेड दैट दे विल ले ऑफ एटलीस्ट 2500 एम्प्लॉय इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल इन 2023, राइट। अभी बात करते हैं जो 2500 एम्प्लॉय निकालेंगे, राइट। सो जितना भी पैसा बचेगा दे विल यूज इट ऑन मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग में वो ज्यादा फोकस करेंगे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल और मोर यूजर अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, आई होप 2500 से कम निकाले और जो जो स्किलफुल आदमी है वो सब रहे, राइट। और जो जो काम नहीं कर रहे हैं बैठ के पैसा ले रहे हैं, यू मे ले ऑफ बट राइटफुल स्किल होना चाहिए कंपनीज में। बायजूस ग्रो एक्चुअली में एडटेक प्लेटफॉर्म ग्रो हुआ था कोरोना के वजह से, राइट। सो रिसेंटली अगर तू देखेगा सभी स्टार्टअप जो कि एडटेक प्लेटफॉर्म है, एक्सेप्ट फिजिक्स वाला का कुछ अलग ही टैक्टिक्स है, दे आर लाइक उन लोगों का फीस भी बहुत कम है, मैं उसका बात नहीं करूँगा। अगर जो बाकी सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, तो आई थिंक
डाउन हो गया और इसके कारण वो लोग जॉब से बंदे को निकाल रहे हैं। और बायजूस में जितना मैं जानता हूँ बायजूस काफी अच्छा सैलरी देता है राइट। सो 2500 एम्प्लॉय को निकालेगा तो बहुत आई थिंक हैवी अमाउंट वो लोग मार्केटिंग में स्पेंड कर सकते हैं जैसे तू बोल रहा। कमेंट करो ब्रो, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। इतना बड़ा स्टार्टअप है यार, बिलियन डॉलर एंड डूइंग दिस। नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, इट्स अबाउट क्रिप्टो एंड गूगल सर्च राइट। नाउ वी कैन सी हाउ मच क्रिप्टो डज वी हैव इन आवर वॉलेट थ्रू अ सिंपल गूगल सर्च राइट। और ये मैं बता देता हूँ, जो हम लोग गूगल सर्च करेंगे जैसे मैं बता, जो भी वॉलेट का एड्रेस डालोगे आपको बता देगा कितना मेरे पास या फिर आपके पास पैसा है राइट, मतलब क्रिप्टो वॉलेट में कॉइन्स है। बट ये सिर्फ इथेरियम चेन कॉइन्स पे ही काम करेगा जो कि पहला इंट्रोड्यूस इथेरियम चेन में ही हुआ है राइट। भाई एक चीज याद रख, क्रिप्टो को अगर गूगल के साथ मर्ज किया जाए ना तो आई थिंक सिक्योरिटी और भी बढ़ जाएगा राइट। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे को न्यूज आया था, तू तो ट्रेंडिंग टॉपिक उसको डाला नहीं है, गूगल क्रोम को सबसे हार्मफुल बताया गया राइट, जो कि कुछ भी किया जा सकते हैं राइट। सो अभी लाइक क्रिप्टो के साथ मर्ज करवा रहे हैं वॉलेट के साथ, सो आई थिंक सिक्योरिटी इशू हो सकता, बट देखते हैं राइट। अगर क्रिप्टो को ला रहा गूगल तो गूगल के पास कुछ तगड़ा होगा, तो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, इट्स अबाउट क्रिकेटर एमएस धोनी राइट। रिसेंटली एमएस धोनी हैज लॉन्चेस अ ड्रोन एंड इट्स नेम इज ड्रोनी राइट। दिस इज द कंपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स राइट। धोनी से लॉन्च करवाया ड्रोनी, दिस इज समथिंग ग्रेट राइट। एंड मैं बता देता हूँ, ये एक एरोस्पेस स्टार्टअप ने स्टार्ट किया, दिस इज नॉट अ कमर्शियल राइट ड्रोन होगा। ये बेसिकली फार्मर्स को दिया जाएगा जो कि पेस्टिसाइड छिड़कने में काम आएगा फार्मर्स को। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडियन इनिशिएटिव राइट। पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट ऑन समथिंग लाइक जो कि हम लोग बाहर से परचेस करते थे, बट नाउडेज वी आर ऑल्सो मेकिंग ड्रोनी स्पेस एरोस्पेस सेक्टर में राइट, और ये सब सेक्टर में। सो आई थिंक इंडिया विल बी नंबर वन इन अपकमिंग ईयर राइट। डीजे विजय को भी पीछे छोड़ सकता अगर ऐसे ही काम करेंगे इंडियन ऑडियंस राइट। नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, इट्स अबाउट गूगल राइट। गूगल नाउ पार्टनर विद कॉइनबेस टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स फॉर देयर क्लाउड सर्विस राइट। क्लाउड सर्विस छोटे मोटे स्टार्टअप या फिर बड़े बड़े कंपनीज को पता होगा क्लाउड सर्विस गूगल का क्या होता है। सो इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर यू कैन यूज दिस क्रिप्टो पेमेंट, और एक फंक्शन आ गया होगा जिसमें डेबिट कार्ड यूपीआई एंड देन क्रिप्टो पेमेंट्स का फंक्शन भी अवेलेबल हो गया होगा। संजय मैं बता देता हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वेब 3.0 राइट। लाइक वो डिसेंट्रलाइज होगा या फिर जो सिक्योरिटी हो गया वॉलेट में, आई एम अ बिग फैन राइट। हाउ एक्चुअली दिस वर्क, अगर कोई डीप में जाएगा इट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग राइट। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी राइट, द डीफाई एंड ऑल दैट राइट। सो आई थिंक धीरे धीरे तू देख रहा है ये सब मर्ज हो रहा, वेब 2.0 से वेब 3.0 जा रहा। इंस्टाग्राम में भी अगर तू देखेगा ना, यू कैन लाइक लिटरली कनेक्ट योर वॉलेट राइट, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जो भी वॉलेट आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक दिस आर मर्जिंग विद वेब 2.0, कनेक्टिंग विद वेब 3.0 और मेटावर्स भी। नेक्स्ट आई थिंक फ्यूचर इज मेटावर्स, बिकॉज मेटावर्स में भारी काम किया जा रहा। रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग का मैं इंटरव्यू देख रहा था एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू मेकिंग अलाइव द मेटावर्स राइट। I think this is something great. So let's move to the next trending topic. Next and large trending topic है वो, it's a fun and a चोरी चकारी trending topic, because एक रोड से जा रहा था एक ट्रक और वो ट्रक में था काफी सारे सिगरेट के डब्बे जो कि वर्थ था 1.3 CR राइट। 1.3 करोड़ का सिगरेट था और वो चोरी हो गया राइट। 6 जन मिलके चोरी किए हैं। ये जो चोरी हुआ इंसिडेंट हुआ वो हुआ है मुंबई अहमदाबाद हाईवे में। तो देखो यार, सिगरेट भी आजकल चोरी हो रहे हैं। सो दिस इज समथिंग ह्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक आई गेस। सिगरेट चोरी हो गया ब्रो, लाइक जो 6 बंदे को बुलाया, मेरे को भी थोड़ा दे दे बिकॉज आई वॉन्ट दैट, लाइक एटलीस्ट कम दाम में मेरे को बेच देगा भाई। 1.3 करोड़ का सिगरेट लोग करेगा क्या भाई, ब्लैक में बिकेगा? नहीं, मार्केट में देंगे कम दामों में, हो सकता। बट ये जो जो चोरी किया ना भाई, ये अलग ही है भाई। कोई तेल चोरी करता तो ठीक है, दूध चोरी भाई, दूध लीकेज हो जाता है हाईवे में वो ठीक है, तेल भी हाईवे लीकेज हो जाता है भी ठीक है भाई। सिगरेट यार इतना नीचे गिर जाओगे चोर सालों, कुछ तो शर्म करो यार, ब्रांड वैल्यू थोड़ा अपना रखो यार, सिगरेट चोरी कर दे रहे हो 1.3 करोड़ का। So that is for the today video guys, hope you like my content. If you like my content, hit the subscribe button, side mein bell icon hoga usko bhi daba do, and keep watching more trending topics.